कैलाश औरतें जो है ना पैसों के लिए बिक जाते हैं, ये बातें जो है ना बिल्कुल गलत है। पहले जो है ना जेवरात इनके साथ रखते थे, सही, लोग जो है ना इनको चोरी कर रहे थे। इसकी कीमत कितनी होती है एक कैप की? मैक्सिमम 5000 तक हो जाएगी। सही। ये रास्ता आगे इधर बरेर की तरफ जाता है। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। और अगर आपने बम्बू रेत की तरफ जाना हो तो ये रोड बम्बू रेत की तरफ जाता है। नाजरीन, ये वादी बरेर शुरू हो गई है। पीछे एक पुल था जिसपे लिखा हुआ था आवाज थाना हदूद वादी बरेर, और ये बरेर का गांव है। अस्सलाम वालेकुम। इस गांव का नाम क्या है जी? गांव का नाम क्या है जी? बरेर है। गांव की छोटी छोटी गलियां, और यहां पे थोड़ा सा रोड की हालत जो है वो बेहतर है। पीछे तो बिल्कुल ही खराब रोड था जैसे आपने देखा, ये रोड थोड़ा बेहतर है। यहाँ हर तरफ फलों के दरख्त हैं, साइड पे नाला बह रहा और सब्जियां और फसलें काश्त की गई हैं। नाजरीन, अभी आगे कैलाश की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे हमें चश्मा नजर आया। ये देखें, यहाँ पे हालांकि कोई नामो निशान नहीं है किसी पाइप का, किसी भी चीज का, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कैसे ये नीचे से चश्मा निकल रहा। और पानी चेक करें कितना साफ सुथरा, प्योर मिनरल से भरपूर पानी। और यहाँ पे जो भी मुसाफिर आते हैं वो पानी पीते हैं। अगर आपने यहाँ से भर के लेके जाना हो, रास्ते में जा रहे हो, वो भी लेके जाते हैं। और ये रोड आगे जा रहा है कैलाश की तरफ। अभी नाजरीन ये रास्ता देखें, यहाँ पे 125 पे तो दो बंदे आराम से चले जाते हैं, लेकिन अगर आप सीडी 70 पे हो तो एक बंदे को उतरना पड़ता है। यहाँ से बरेर जो है वो तकरीबन 5 मिनट का फासला रह गया। यहाँ पे एक भाई बता रहे थे कि रिसेंटली जो सैलाब आया था उसकी वजह से ये तकरीबन है 1.5 किलोमीटर का ये रोड है, तो ये सारा तबाह हो गया था। ये आप देख सकते हैं कैसे पत्थर पड़े हैं दरिया में। बाकी आगे जो रोड की कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर है। ये देखिए, आज मैं मौजूद हूँ बरेर के मेन गांव में, और ये ऐसा गांव है जहाँ आपको बम्बू रेत और रंबूर की निस्बत कलाशी कल्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी यहाँ के एक मकामी टीचर हमें मिले हैं जो हमें गाइड करेंगे और यहाँ का कल्चर दिखाएंगे, और उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। बाकी ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। ये जो आप सामने पहाड़ों की ट्रेल देख रहे हैं, इनकी दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है। यानी कि ये जो गांव है ये बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर मौजूद है, और अगर ये पहाड़ आप क्रॉस करें तो आप अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। ये देखें नाजरीन, बरेर के बाजार में घूम फिरते हैं, और हमारे साथ इस टाइम हमारे गाइड ये नादर साहब मौजूद हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। और आपने पहले भी शायद इनको यूट्यूब पे देखा हो, और अब आप फिर दोबारा हमारे तवस्सुल से इनको यूट्यूब पे देखेंगे। ये हमें टोटली यहाँ का ट्रेडिशन दिखाएंगे, यहाँ के जो भी कल्चर है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम हमारे साथ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। ये औरत जो है ना स्पेशल ये देखें, ये यहाँ का कब्रिस्तान है, मडू जाउदर कब्रिस्तान। ये
काफी बड़ा कब्रिस्तान है। ये जो है ना सर, ये पुराना है, पहले जमाने में जो है ना लोग इस तरह रखते थे, अभी जो है ना लोग इसको नीचे दफनाते हैं। कब्रिस्तान यही है हाँ, लेकिन एक आगे है, एक कब्रिस्तान आगे है। अच्छा अच्छा, एक ये है, ये दो कब्रिस्तान। ये चार पाई यहाँ पे, हाँ ये चार पाई जो है ना उस आदमी का है जो फौत हुआ है, उसको इसके साथ रखते हैं, इस चारपाई को इधर लाके जो है ना उसके साथ रखते हैं। सही हाँ। और आजकल जो फौतकी होती है आपकी हाँ। वो दूसरे कब्रिस्तान में दफन करते नहीं, हैं इधर भी करते उधर भी करते हैं। अच्छा, कोई पाबंदी नहीं है। सही हो गया, यानी कि सबसे पहला आपका कब्रिस्तान ये वाला। हाँ ये है, ये देखें, ये छोटे बच्चों की वो ताबूत होते थे, और ये बड़े बंदों के लिए, ये यहाँ पे ये हड्डियां भी पड़ी हैं आप देखें। पहले जो है ना ज़ेवरात इनके साथ रखते थे। सही, लोग जो है ना इनको चोरी कर रहे थे वो ज़ेवरात को, बाद में जो है ना वो ज़ेवरात इनके साथ नहीं रखते, पहले जमाने में रखते थे, आजकल तो है ही नहीं। सही, आजकल तो है ही नहीं, कोई सामान भी इसके साथ नहीं रखते हैं। सही हो गया, वैसे ऐसे ही दफनाते हैं। पहले ये कब्रिस्तान के गिर्द जो है ये लकड़ी की दीवार नहीं थी, तो ये भाई बता रहे हैं कि ये दीवार अभी तामीर की गई है, क्योंकि कुत्ते गधे और मुख्तलिफ चीजें जो है वो इसके अंदर इंटर हो जाती थी, लेकिन अभी उससे महफूज रखने के लिए ये दीवार बनाई गई है। नाजरीन, ये अभी हम गुरु गांव में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर जो है वो कलाशी घर पाए जाते हैं। ये पुल है, आप देख सकते हैं लकड़ी से बनाया गया काफी पुराना पुल, जो गांव की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नीचे नाला बह रहा है, ये देखें मिड में आके ये पुल काफी हिलता है और बंदे को डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। ये इधर अमलूक लगा हुआ है जिसे जापानी फल कहते हैं, ये देखें। पुल जब आप क्रॉस करते हैं तो इस तरह की सीढ़ियां ऊपर गांव में जाने के लिए। ये कलाशियों का बहुत पुराना घर है, तो हम उसके अंदर इंटर हो रहे हैं। ये कितने साल पुराना है? लगभग 20-25 साल, 30 साल पुराना है। सही सही। और यहाँ पे ये लकड़ी देखिए, यहाँ पे क्या हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से जब ये चूल्हे जलाते हैं तो इसका जो धुआं होता है। ये घर के अंदरूनी मनाजिर है, आप देख सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पे ही रहती है। एक ये इनका कमरा है, एक आगे कमरा है, और खाना पकाना भी यहीं पे किया जाता है। ये छतें जो हैं ये धुएं की वजह से ब्लैक हैं, और इनकी हाइट भी इतनी नहीं है, अगर लंबे कद का बंदा हो तो वो उसका सर बिल्कुल छत के साथ लगेगा। ये देखें यहाँ पे जो ये कैप वगैरह लेते हैं, ये वो तैयार किए जा रहे हैं, ये देखें आप। इसकी कीमत कितनी होती है एक कैप की? मैक्सिमम 5000 तक हो जाएगी। सही, क्योंकि इसमें ये मोतिया आ जाती है, मोतिया काफी महंगी। सही, ये नादर भाई बता रहे हैं कि इस कैप की जो कीमत है वो तकरीबन 5000 रुपए तक होती है। और ये कमरे के अंदरूनी मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भाई चलगोजा लेके जा रहे हैं, और ये 15000 रुपए किलो जो है वो सेल किया जाता है, और ये लाहौर और इस्लामाबाद भेजा जाता है। नादर भाई बता रहे थे कि चलगोजा कलेक्ट करने में जो है वो एक एक बोरी कलेक्ट करने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, और ये
काफी तादाद में यानी कि 50 बोरी 60 बोरी कलेक्ट की जाती है और फिर इन्हें काफी दूर यानी कि कराची की मार्केट में या इस्लामाबाद की मार्केट में सेल किया जाता है। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पे इनका डांसिंग हॉल आया, ये देखें यहाँ पे डांस किया जाता। नादर भाई ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये हमारा ट्रेडिशनल वो है सर, ये पिछले जमाने से हमारे आबा उजदाद बनाते हुए आए हुए, सही हम अभी उनको फॉलो करते हैं। ये डांसिंग हॉल है यहाँ का और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ नक्शो निगार जो है वो बनाए गए हैं जो कि इनके आबाओ अजदाद से बनाए जाते थे और काफी पुराना डांसिंग हॉल है ये। अपना वाला उसको वो करते हैं ताजियत के लिए करते हैं। नेक्स्ट डे जो है ना भुंगरत वाला जाते हैं और मुस्लिम लोग भी आते हैं। आते हैं क्यों नहीं आते हैं? और जो दावत होती है यहाँ पे नहीं हम बुलाते हैं ना, ऐसा दावत भी नहीं कहते कि आप लोग आ जाओ। भुंगरत उनके साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी आ जाता है, उनका रिश्तेदार भी होते हैं ना। और यहाँ पे खाना वगैरह पकाते हैं? खाना पकाते हैं उनके लिए, उनके लिए गोश्त पनीर शराब सब उसके उनके लिए मैसर हो जाती है। और ये वाशरूम, ये वाशरूम, ये साथ वाशरूम की जो सहूलत है वो भी दी जाती है। ये सामने आप छत पे देखें यहाँ पे अमलूक लोबिया और एक दो और चीज़ें हैं वो खुश करने के लिए डाली गई हैं और इनका इस्तेमाल सर्दियों में जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे आमदोरफ्त नहीं होती तो ये चीज़ें स्टोर की जाती हैं और फिर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने के लिए। ये पहले यहाँ पे रास्ता हुआ करता था लेकिन इस साल जो सैलाब आया उसकी वजह से सारा ये रास्ता ख़राब हो गया। अभी दोबारा फिर इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और रास्ते की तामीर जो है वो करेंगे दोबारा। ये बरीर गांव की मस्जिद है और यहाँ अभी नमाज का टाइम हो चुका है और लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। ये देखें ये छत पे भी चलगोजा रखा गया है खुश करने के लिए और इधर सामने भी अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं। ये इनका मैटरनिटी होम है और जब औरत नापाक होती है या औरत का बच्चा पैदा होता है तो वो यहाँ पे आती है। और इस हाउस में हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मर्द जो है वो इंटर नहीं हो सकता, सिर्फ जो लेडीज होती हैं वही इसमें इंटर होती हैं। यहाँ पे पुल तामीर हो रहा था लेकिन हुकूमत के पास बजट ना होने की वजह से ये यहीं पे रोक दिया गया। अब जब हुकूमत के पास बजट होगा तो ये पुल तामीर किया जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पे लोगों को कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं, दरिया से गुजरना पड़ता है, खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाए तो कितना नुकसान हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे गलियां किस तरह की होती हैं, ये अभी नए घर बनाए जा रहे हैं।
ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल बरीर, और यहाँ पे मुस्लिम और कैलाशी एक ही जगह पे तालीम हासिल करते हैं। कैलाश पब्लिक स्कूल में ये प्राइमरी तक स्कूल है, और इसमें ये चार्ट वगैरह लगाए गए हैं, ये देखें। ये यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग जैसे स्कूलों में लगा होता है, तो छुट्टी के बाद अब उसको उतारा जा रहा है। ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, और ये जो आप सामने दरख्त देख रहे हैं इनके ऊपर अंगूरों की बेलें हैं। नीचे नीचे से तो उतार लिए हैं, लेकिन ऊपर भी लगे हुए हैं, तो क्योंकि कैमरे की वहाँ तक एक्सेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पे हर तरह का फल लगा होता है। इधर सामने अमलूक के दरख्त हैं, और ये स्कूल की बिल्डिंग है। अभी छुट्टी हो चुकी है, अगर छुट्टी ना हुई होती तो फिर बच्चों के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते। यहाँ के जो है ना लोग कहते हैं कि दरीद में खासकर कैलाश औरतें जो है ना पैसों के लिए बिक जाते हैं, ये बातें जो है ना बिल्कुल गलत है। ये जो है ना बिल्कुल सीधा साधा लोग हैं, सीधा साधा टाइप के लोग हैं। ये कभी भी ऐसे काम जिंदगी में करता भी नहीं करते ये लोग। दूसरी ये कि अफगानिस्तान से लोग इधर आते हैं, कहते हैं कि ये भी गलत है, अफगानिस्तान से लोग इधर नहीं आते। आते भी कोई आगे जो है ना हाई पेस्टर में चेरागाँव में आते हैं, सिर्फ बेल बकरिया चुराते हैं हमसे, ये काम करते हैं ये लोग। इधर बस्ती में नहीं आते, बस्ती में नहीं आते वो लोग। यानी कि ये बिल्कुल सेफ जगह है टूरिस्ट के लिए। ये मनगढ़ंत बातें जो है ना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। सही। अगर आप बरीर आए तो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको अंसार होटल के नाम से एक होटल देखने को मिलेगा, जहाँ पे खाने पीने की सहूलत और कमरों की सहूलत मौजूद है। अगर आप आए तो यहाँ पे आप होटल लेके रह सकते हैं। ये देखें, ये कमरे हैं, इस साइड पे भी कमरा है और इस साइड पे भी कमरा, और इधर इनका खाने पीने का सारा सिस्टम है।